हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिवें कि तुहाडे नाल प्रोमिस किया सी, असीं पीसीएस का बैच लैके आवांगे, जिस विच असीं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब ते पीसीएस की प्रिपरेशन करवावांगे। सो नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी, नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, उस तो पहले ही साडी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर तुसीं सिलेक्शन चाहते हो तो नोटिफिकेशन तो पहला ही प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो इस रिगार्डिंग असीं गल करांगे। सब तो पहला मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बारे, ये दो पेपर होंगे। सब तो पहला होंगे जी एस स्टडी का, प्री की गल कर रही हूँ अजे तक सिर्फ प्री दे विच। जी एस स्टडी के 100 क्वेश्चन होंगे ने, 2 मार्क्स ईच, टोटल मार्क्स 200। सो जिहड़ा दूसरा पेपर होंगे वो सी सैट का होंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 मार्क्स ईच से, सो टोटल मार्क्स 200। सो जो प्री दे विच ये दोनों ही पेपर कवर किए जाएंगे। असी जो जी एस स्टडीज़ के वर्ल्ड हिस्टरी कॉम्पोनेंट वो बारे स्टडी करांगे, बिकॉज ये जिमें कि तुम देख सकते हो वर्ल्ड हिस्टरी जिहड़ी है 4th नंबर कोलम विच पेपर 1 दे विच हिस्टरी लिखा, ये वर्ल्ड हिस्टरी आती है। सो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन, सो बेसिकली तुसी की करना है, सिलेबस भी थोड़ा है जिहड़ी कि चीज़ असी परमानेंट है कि क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इवें दा आंसर दे देना है। सो उहदी असी प्रिपरेशन असी पहले नंबर पर करांगे। सिलेबस तुसी देख सकते हो वर्ल्ड हिस्टरी का, जिवें सिलेबस लिखा ये अकॉर्डिंग ही चलांगे, सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। अगे असी गल करते हैं अपने लैक्चरस की। वर्ल्ड हिस्टरी की अगर अजे गल करिए, असी इसमें दो भागों में वंटते हैं। पहले हैगी है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, दूसरा हैगा मॉडर्न वर्ल्ड। जिन्ना मैं करवावांगी, जो मैं लिखा है इसमें तुसी अपने नोट्स विच कवर कर लेना, कुछ भी एक भी क्वेश्चन बाहर तो नहीं आएगा, बिकॉज असी बहुत ही डिटेल्स मैनर नाल असी इसमें कवर करांगे। वर्ल्ड हिस्टरी नूं कंसैप्ट भी समझावांगे। सो भी तुसी अपने मेरे नाल रहना है, सबसक्राइब कर लो चैनल, बिकॉज मोर एंड मोर अपडेट्स आदि रहनगे तुहानू। सिर्फ यही नहीं, कॉम्पोनेंट असी होर क्विज वगैरह लैके आवांगे, तुहानू आंसर राइटिंग दे लई भी असी क्वेश्चन देंदे रहांगे। सो बी कनैक्टड। वर्ड हिस्टरी विच असी दो पार्ट्स विच वंडिया है इसनू, प्री वर्ड, प्री मॉडर्न वर्ड एंड मॉडर्न वर्ड। अगर मैं बेसिकली लेमन टर्म्स विच तुहानू दस देवां, जो ब्रिटिश एरा आंदा है ना, उस तो पहला दी जिहड़ी हिस्टरी है ना, वह है साडी प्री मॉडर्न वर्ड। सो प्री मॉडर्न वर्ड दे विच कीवें सी तुसी अपने माइंड च रख सकते, जिवें कि राजे रानियां दा टाइम सी, उस टाइम की गल कर रहे हैं असी। सो इस टाइम तो असी मॉडर्न वर्ड मीनस कि अंग्रेज़ों की जो आ गए, ब्रिटिश एरा आ गया, वो हिस्टरी साडे विच बहुत सारे चेंजेस आ गए। सो असी किवें शिफ्ट होए, इन्हां दे विचकार जो डिफरेंस है असी उहदे बारे गल करांगे। सब तो पहला है प्री मॉडर्न वर्ड दे बारे ही असी पढ़ांगे सिर्फ। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़। कहिंदे ने कि जिहड़ा ये वाला टाइम पीरियड सी ना प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इहदे विच अगर कोई इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन करनी होवे ना, असी की सिस्टम यूज़ करदे सी, बार्टर सिस्टम। सो क्वेश्चन आ सकदा कि बार्टर सिस्टम की हुंदा है, जिवें कि अज्ज दे टाइम ते सब तो करंसी हैगी है कि असी एक्सचेंज करदे हां, नोट्स एक्सचेंज करदे हां, पर उस टाइम ते की सी कि असी अपने गुड्स ने, अनाज ने, कोई भी चीज़ बदले चीज़ लै ली, सो एवें चीज़ों की जो आदान प्रदान करते सन। सो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ हुंदा सी। ये गल चल रही है साड़ी 13th-14th सेंचुरी की पहला की गल। सो उस टाइम तो पोलीटिकल सैटअप किमें का सी, एबसोल्यूट मोनार्की सी। एबसोल्यूट मोनार्की, मोनार्की वर्ड का तुम्हें मतलब पता है कि हैरिडिटेरी पीपल सन, मतलब कि रा जो अगे तो अगे, पुत्र तो पुत्र अगे, कि जां फिर ती तो ती की होएगा, वह राजा रानी बनेंगे। सो ये हैरिडिटेरी सिस्टम से इतने वर्ड आ गया एबसोल्यूट भी ना। सो एबसोल्यूट का मतलब की सी, नोट इलैक्टेड बाय पीपल। एवें नहीं सी कोई इलैक्शन होंगे सी, कोई इलैक्ट करते सन पीपल, नहीं, वो सिर्फ अपने आप ही चूज करते सन। उन्हें सारी की सारी पावर सिर्फ एक बंदे तो होंगी सी। सो पावर टू मेक लॉज बना भी जो अधिकार से उन्हें तो सी, जजमेंट भी वही करते सर। नो स्पेस फॉर एनी अदर अथॉरिटी, किसी होर अथॉरिटी कोई भी कमेटी मैंबर वगैरह नहीं बनाते सन, सिर्फ एक ही राजा से, परसनली वो हर एक चीज़ ना डील खुद करता सी। सो सोसाइटी दे करते सन मेनली, असी कही तो यह सोसाइटी इनइक्वैलिटी से, जिमें कि ट्रेंगल भी शो किया है। सब तो टॉप से कौन सी, किंग सन, किंग सुप्रीम पावर से टॉप पर रहती सी। उस तो थले कौन सन, कलर्गी सन, कलर्गी मतलब कि लिरिजिस अथॉरिटी वाले जो भी सारे प्राइस्ट वगैरह सन, वो सारे ये आते हैं सन। उस तो थले कि डिस्ट्रीब्यूशन की नोबेलिटी, ये रिच क्लासेस सन, जो कि मर्चेंट टाइप्स गल कर सकते हैं, जो ट्रेड करते सन, सो ये आते सन। सब तो नीचे हैगा साडा कॉमनर्स, नो पावर फॉर पे मैक्सिमम टैक्स। कहते कॉमनर जो आम बंदे सन, जो दिहाड़ीदार सन, वो सारे कॉमनर सन। सो ये की करते सन, राजे राणियों के कम करते सन वो। सो उन्हें वो टैक्स भी देंदे सन,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਲਾਸ ਔਰ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਸਨ ਔਰ ਕਲਰਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਔਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਨ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਨਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਈਡੀਆ ਔਫ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੈਂਡ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨਰਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈਂਡ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਾਮਨਰਸ ਕੀ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਥੋਰਟੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੋਪ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਗੋਡ ਸਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਗੋਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਕਲਚਰਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੈਨਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੋਡਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਮਾਡਰਨ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੋਨਾਰਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਰਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਰਕ ਏਜ ਸੀ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਡਾਰਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਨਸਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਏ ਇੰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ? ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਜ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਜੋ ਰੈਨਸੈਂਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਮਨ ਮੈਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਓ, 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਰੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਕੋਮੋਡੀਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਲਓ। ਸੋ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਕਲਰਗੀ ਸੀ, ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਮਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਮਨਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਨੇ ਰੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੈਟਾਗਰੀਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਕੀ ਸਨ? ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੈਥੋਲਿਕਸ। ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਲੋਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੋਡ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਰਸਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ? ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ। ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਓਲਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਨਿਊ। ਸੋ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? ਮੇਜਰਲੀ ਜੋ ਫੇਮਸ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਰੋਡਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈ, ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਔਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ, PDFs ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ।
गिव आइडियाज़ टू लिबर्टी इक्वालिटी फर्टिनिटी डेमोक्रेसी नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर रेवोल्यूशन आएगी, क्रांति आएगी, उसके बाद लिबर्टी आएगी, इक्वालिटी आएगी, फर्टिनिटी डेमोक्रेसी आएगी, नेशनलिज्म आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये बारे उन्होंने क्या है। आइडियाज़ आर लाइक ए वाइल्ड फायर, मतलब कि अगर उन्होंने इनलाइटमेंट आ गई ना, एक जिदा कि जंगल च अग लग जाती है तो फैलती ही चल जाती है, धुआं वह उठ ही जाता है। सो रेवोल्यूशन कितने होर आई है, मतलब कि अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन उन्होंने जगह पर आई है, लेकिन यदा जो धुआं है सारे वर्ल्ड के फैल गया। जिमें कि नैपोलियन से यह भी एक असं कह सकते हैं कैरियर ऑफ दिस आइडियाज़, इन्हें अलग अलग जगह पर विजिट किया, सो इन्हें सारे सारे आइडियाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचाने में मदद की। इनलाइटमेंट्स की है, एक्चुअली एक तरह के आइडियाज़ ने, टैक्नोलॉजी डिस्कवरी जो भी होंगी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिन्हें जन्म दिता है, यूजिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कि असं मशीन यूज़ कर रहे हैं, एमैनुअल लेबर यूज़ नहीं हो रही है। सो इनलाइटमेंट के नाल कोलोनाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, कोलोनाइजेशन में कि बस्तीवाद होना स्टार्ट हो गया। अगर मतलब कि थोड़ी जगह पर रेवोल्यूशन हो रही है, वो दंगे फसाद हो रहे हैं, सो तुसी अपनी डिमांड्स कर रहे हो, सो उन्होंने की किया कि हुण ठीक है इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी स्टार्ट हो गई, उत्थे दे लोगों ने अपने बारे सोचना स्टार्ट कर दिया। अगर तुसी कोई इंडस्ट्री लाओगे तो उस लिए रॉ मटीरियल्स चाहिएगा, अगर तुसी कुछ उस बनाओगे उसके लिए तुसी कितने ना कितने बेचोगे भी जरूर। सो ये ना कि तुसी नवी नवी जगह की खोज करनी स्टार्ट कर दी, जिसनों कोलोनाइजेशन कहते हैं। सो ये नाल की हो गया, कंफ्लिक्ट लीड टू वर्ल्ड वार वन। अगर अलग अलग दुनिया जिदा कि कोई फ्रेंच का बंदा है, जो फिर कोई ब्रिटिश का बंदा है, वह कोलोनाइजेशन की भाल कर रहा, कोई एक सेम जगह पर आके खड़े हो गए कि नहीं मैं रखनी है, ये मेरे हक की जमीन है। सो ये ना की हो गया कि पावर्स बहुत बढ़िया सन, सो इन्होंने वर्ल्ड वार में जन्म दे दिता। सो ये कंफ्लिक्ट से करके ही की हुआ कि बहुत सारा नुकसान है, डिस्ट्रक्शंस हुई है, न्यू आइडियाज़ के लीडर्स भी ने भी जन्म दिता, जिमें कि रशियन रेवोल्यूशन होनी स्टार्ट हो गई। नैसिज़म ते फैसिज़म इन्ह बारे भी असं पढ़ांगे, एक लीडर सन जिन्हों का जन्म होया इन्हें ही डिस्ट्रक्शंस के करके, वर्ल्ड वार करके। कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग पावर, हुण बहुत पावरस ही वड्डियां हो गई ने, कॉन्फ्लिक्ट्स जिमें बढ़ रहे से, ये वर्ल्ड वार टू भी हो गई। सो ये ना की होगा कि अगर वॉर होएगी तो नुकसान ही होगा हर एक धिर का, सो एग्जॉस्टड हो गए, वीक हो गए, सो डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो डीकोलोनाइजेशन के रिजल्ट विच सारा इंडिया ही इंडिपेंडेंस उसने मिली है। सो अगर वर्ल्ड वार टू की गल करिए 1945 विच हुई है, जब खत्म होंदी है, तो फिर साडा इंडिया आज़ाद होंदा 1947 के विच। सो तुसी कनैक्ट कर सकते हो कि किमें किमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। वर्ल्ड वार टू के टाइम तो की सी, सिर्फ दो ही सुप्रीम पावर सन, एक USA एक USSR। सो USA की कैपिटलिज्म प्रोवोक करता से, एंड यूएस कम्यूनलिज्म फॉलो करता से। सो इनडायरैक्ट वार से हूँ कहते हैं कि असी हथियार ना वार नहीं करा, असी कोई होर तरीके लभ ले कि असी सिर्फ वार होएगी साड़ी, कि असी एक दूसरे को पिछा छड़ना है, असी इंडस्ट्री के पिछा छड़ना है, न्यूकलीयर पावर के पिछा छड़ना है। सो एक तरह की कोल्ड वार स्टार्ट हो गई कि नहीं मैं वड्डा है, मैं वड्डा है। सो डिस इंटीग्रेशन हो गया USSR का। सो ये बारे दस्या है। अगे गल करते हैं रेनासान की। सो रेनासान वॉज एन इंटलैक्चुअल लिबर्टी कल्चर मूवमेंट इन विच न्यू यूरोप वॉज टेकिंग प्लेस। अज असी रेनासान बारे गल करांगे, इहदे विच की है कि एक इंटलैक्चुअल लिबर्टी कल्चर एक तरह की एक मूवमेंट हैगी है, जिन्हें की किया एक नवी ही दुनिया बनानी स्टार्ट कर दी। दी चेंजिस एज ए रिजल्ट ऑफ रेनासांस वर। सो अगर रेनेसां होया ये ना कि चेंज हो गया, डिकलाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, जमींदारी खत्म हो गई, खत्म तो नहीं हुई, डिकलाइन जरूर होया। स्टडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर, लोगों ने एंशियंट लिटरेचर की स्टडी करनी स्टार्ट कर दी। राइस ऑफ नैशनल स्टेट एंड बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइज। सो नेशन दे पावर आनी स्टार्ट हो गई कि नहीं नेशन साढ़े लिए बननी है, अगर असी स्टेट बनाते हैं साढ़े लिए, ना कि असी स्टेट में फॉलो करिए। सो ए रिगार्डिंग उन्होंने थिंकिंग बननी स्टार्ट हो गई। इनवेंशन ऑफ गन पाउडर एंड कंपस, गन पाउडर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया, कंपस मतलब कि नैविगेशन उन्होंने भी मदद करती रही। इनवेंशन ऑफ कंपस गेव राइज टू जियोग्राफिकल डिस्कवरीज एंड डिस्कवरी न्यू ट्रेड रूट्स। अगर कंपस का इनवेंशन है, ये क्या है कि नवी नवी जगहों की खोज होनी स्टार्ट होगी, नवे नवे रूट्स बनने स्टार्ट हो। सो ट्रेड का बहुत ही ज़्यादा जो फैलिया से इस टाइम ना। सो रेनेसांस एक्सप्रेसिस दोज फ्रीडम लविंग इंटरेक्ट आइडियाज ऑफ पीपल विच हैड बीन इम्प्रिजन बाय द रिलीजियस अथॉरिटीज इन मिडल एजेस। सो रेनेसांस का ना की होया है कि नवे नवे थॉट्स उभरने स्टार्ट हो गए, ये बारे असं कहते हैं। सो अगे साडा रेनेसांस इन्ना ही एक तरह की मूवमेंट ही है, एक बेसिक आइडिया, होप सो तुहानू समझ आ गया होएगा। सो अगे इनलाइटमेंट आ गई है, इनलाइटमेंट के की कॉज सी, सो की आइडियाज़ के फीचर से इनलाइटमेंट के,
ਸਪੈਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਟੋਨ ਆਫ ਮਾਈ ਟੀਚਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ, PDF ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਲੈਕਚਰਸ ਡੇਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।